नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और मुंबई के बीच एक कमाल का मुकाबला खेला जा रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी का। और इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने, जी हाँ दोस्तों, गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी भी करते हैं और बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी की है। यहाँ पर इन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड नॉक खेली है कहीं ना कहीं मुंबई के लिए। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के खिलाफ बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है, 92 रन ठोके हैं। जी हाँ दोस्तों, 92 रन लगाए हैं इन्होंने, बेहद ही शानदार बल्लेबाजी की है। और इनके साथ बता दूं आपको, सूर्य कुमार यादव ने 75 गेंदों में सूर्य कुमार यादव ने 91 रन बनाए थे और 15 चौके लगाए थे सूर्य कुमार यादव ने। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने काफ़ी तेज तर्रार पारी खेली है, उन्होंने महज 57 गेंदों में 6 चौके और 6 शानदार छक्कों की बदौलत 92 रन ठोक डाले हैं। जी दोस्तों, 92 रन पे वो हालांकि आउट हो गए और शतक से चूक गए। और बता दूं आपको कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म जो है शानदार फॉर्म, वो विजय हजारे ट्रॉफी में जारी है। हालांकि वो एक बार फिर से शतक से चूक गए हैं और 91 रनों पे, जी हाँ दोस्तों, 91 रनों पे आउट हो गए हैं। 75 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली सूर्य कुमार यादव ने, 15 चौके उन्होंने जड़े इस इनिंग्स में और 331 रन, जी हाँ दोस्तों, 321 रन 9 विकेटों के नुकसान पे बना हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई ने। यहाँ पे आपको बता दूँ, शार्दुल ठाकुर ने 57 गेंदों में 92 रन लगाए, सूर्य कुमार यादव ने 75 गेंदों में 91। और बता दूँ पंकज जायसवाल ने हिमाचल प्रदेश की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों में 3 विकेट लिए। वहीं आदित्य तरे ने बेहद ही ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 98 गेंदों में 83 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था उनके इस शानदार इनिंग्स में। और ऋषि धवन, जी हाँ दोस्तों, ऋषि धवन ने हिमाचल प्रदेश के तरफ से सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए, 10 ओवरों में उन्होंने 84 रन जरूर खर्च किए परंतु 4 विकेट चटकाए। और ऋषि धवन ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया है अब तक। निर्धारित 50 ओवरों के बाद मुंबई का स्कोर 321 रनों पे 9 विकेट है और 322 रन बनाने होंगे अब अगर यहाँ से जीतना है हिमाचल प्रदेश को, तो 322 रन बनाने होंगे। तो निश्चित ही ये एक मुश्किल लक्ष्य होगा हिमाचल प्रदेश के लिए। देखते हैं आखिर किस तरीके से वो इस चेज को शुरू करती है और कहाँ तक पहुँचती है, क्या वो जीत सकती है या नहीं, सब कुछ देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही आप अगर हमारे चैनल के वीडियोज़ को सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ, लव यू ऑल।